हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं करेला खाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप करेले का यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो सुन रहे होंगे, उन्हें करेला बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए, टेस्टी भी होता है, बेनिफिट्स इसके जो भर भर के होते हैं। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगता तो आप ये सोच के खाइए कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आप इनका यूज करके बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, बिना किसी मेडिसिन का यूज किए सिर्फ और सिर्फ आप इस जूस का यूज करके उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ठीक भी किया है। स्पेशली अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, जैसे कि आप कपड़े दो तीन दिन पहनते हैं उसे वॉश करते हैं, या फिर 24 आवर्स पहनने के बाद भी उसे वॉश करते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी एक समय ऐसा आता है कि उसके अंदर भी टॉक्सिक सब्सटेंस स्टोर होने लगते हैं और हमारी बॉडी भी उन टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालती है। तो कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जिनका अगर हम यूज करते हैं उन टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करने के लिए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि आप इनका यूज कर सकते हैं करेले का, और आप चुकंदर के जूस का यूज कर सकते हैं, आप लौकी के जूस का यूज कर सकते हैं। ये तीनों ही चीजें मीठी नहीं होती है, तो डायबिटिक पेशेंट भी या कोई और पेशेंट बिना किसी प्रॉब्लम के इसका यूज कर सकता है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम करेले के बेनिफिट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। करेले की सब्जी आप कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर कैसे प्रिपेयर करें, क्या ऐड करें कि हमारे लिए अच्छा होगा, कैसे बनाएं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करके आप पूछिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। अगर किसी को इसमें से करेला बहुत ही ज्यादा पसंद है उसकी सब्जी मत खाइए, आप उसका जूस पीजिए क्योंकि जूस आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नए जूस पी सकते हैं जो लोग, वो सब्जी का भी यूज कर सकते हैं। बस आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि जब भी आप करेले की सब्जी बनाइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कड़वा लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम इसे नहीं खा सकते, तो आप उसमें प्याज को ज्यादा ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्याज का क्या करता है कि जो करेले का कड़वापन होता है उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे करेला खाने में कड़वा नहीं लगता, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप उसमें प्याज को ऐड कर दीजिए, तब भी तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। किसी भी तरीके से हमारे अंदर करेला जाना चाहिए क्योंकि करेला बहुत अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा होता है, इसके बेनिफिट्स तो भर भर के होते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं कि करेले के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहले तो इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में। करेले के अंदर विटामिन सी, ए, के, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक, कितने सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सिर्फ और सिर्फ करेले में पाए जाते हैं। अगर करेले का आप यूज करते हैं तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। तो इसमें से जो भी डायबिटिक पेशेंट है विदाउट यूज, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के आप करेले का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका पोस्ट डायबिटीज है, मतलब अभी डायबिटीज हुआ ही है, प्री डायबिटीज है कि अभी डायबिटीज हुआ, डॉक्टर ने बता दिया कि अगर आपने एक दो महीने प्रिकॉशन किए तो आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगा, फिर कभी डायबिटीज नहीं होगा अगर आपने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो किया तो आप तुरंत क्या करिए, दो महीने की लाइफ स्टाइल एकदम स्ट्रिक्ट बना दीजिए। जब आप स्ट्रिक्ट बना लेंगे तो दो महीने बाद आपका डायबिटीज एकदम ही खत्म हो जाएगा। फिर बाद की लाइफ स्टाइल जो होगी वो भी एकदम स्ट्रिक्ट ही बना के रखिए, कभी कभी कुछ खा लीजिए, नहीं तो मत खाइए। इस तरीके की लाइफ स्टाइल आप बनाएंगे तो आपको कभी डायबिटीज नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार अगर डायबिटीज हो जाता है तो बहुत सिंपल लाइफ हो जाती है हमारी। सिंपल लाइफ का मतलब ये है कि बहुत नॉर्मल खाना खाना होता है, और अगर पता चल गया कि डायबिटीज है, दो महीने में से ठीक कर सकते हो, फटाक से आप इसे ठीक कर लीजिए और पूरे लाइफ स्टाइल, मतलब पूरे आप लाइफ टाइम जो मन के वो खाइए। लेकिन अगर दो महीने कंट्रोल नहीं किया तो आपका डायबिटीज नहीं ठीक होगा, ठीक होने की बजाय वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको पता चले कि हमें डायबिटीज हुआ है तुरंत आप अलर्ट हो जाइए और कोशिश करिए कि हम कितनी जल्दी इस डायबिटीज को ठीक कर लें, क्योंकि जितनी जल्दी आप ठीक कर लेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। तो जो डायबिटिक पेशेंट है,
जो भी वीडियो सुन रहा, अगर आप से उसमें से कोई भी डायबिटीज का पेशेंट हो या आपके घर में किसी को डायबिटीज हुआ हो, उसे एडवाइस दीजिए आप करेले का जूस पीजिए, नहीं तो आप करेले की सब्जी खाइए। बहुत ही जल्दी आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तब भी आपको इससे रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट ये है कि एलडीएल को कम करता, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं हमारी बॉडी में, दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो गुड होता है एक बैड, गुड को हम एचडीएल कहते हैं और बैड को हम एलडीएल कहते हैं। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। देखिए, जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन अच्छे से होगा, ब्लड अच्छे से प्यूरिफाई होगा, तो ऑटोमेटिक हार्ट डिजीज के चांसेस कम हो जाएंगे, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, और जो हार्ट फेलियर होता है या और भी जो हार्ट रिलेटेड डिजीज होती उनके चांसेस एकदम 0% हो जाएंगे, होंगी ही नहीं बीमारियां। तो इसका भी यूज करके आप अपने एलडीएल को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि हमारी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है। अगर आप अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते, देखिए आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, अगर कोई आपको बीमारी हो रही है तो आपकी जब इम्यूनिटी बूस्ट है तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर पैथोजन से इजिली फाइट कर सकती है जो डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं, और हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगी, बूस्ट रहेगी, तो हम इजिली किसी भी डिजीज से हमारी बॉडी इजिली फाइट कर सकती, फाइट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर किसी को भी यूरिक एसिड है, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अपने डेली की रूटीन में आप करेले को ऐड कर सकते हैं। मतलब दिन में एक बार, तीन बार खाना खा रहे, चार बार खा रहे, जब भी जितनी बार भी आप खा रहे उसमें एक बार करेले को जरूर ऐड करिए। सीजन वाइज वेजिटेबल का यूज करिए, ये नहीं कि जब इसका सीजन हो तो हम इसका यूज करें। सीजन वाइज यूज करेंगे तो डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा, आपको अनसीजनल जो फ्रूट्स होते हैं उनके कंपेयर में आपको सीजनल फ्रूट से ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इसीलिए हमेशा यही एडवाइस दी जाती है, हमेशा यही बताया जाता है कि हमेशा सीजन वाइज ही फ्रूट्स और वेजिटेबल का यूज करना चाहिए। अगर आप करेले का यूज करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। कितने परसेंट? 50% कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपकी आंखों से कम दिखाई देता, आई विजन की प्रॉब्लम है, उसे आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप करेले का यूज कर सकते हैं। जिसे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, रात में धुंधला दिखाई देता है या रात में नहीं दिखाई देता है, तो वो भी करेले का यूज करके नाइट ब्लाइंडनेस में भी उसे आराम मिलेगा। अगला बेनिफिट ये है कि हमारे गट के लिए अच्छा होता है। ये क्या करता है? गट रीजन में दो बैक्टीरिया होते हैं, गुड एंड बैड। गुड बैक्टीरिया तो अच्छा होगा, खाना डाइजेस्ट करेगा और माउथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। उसी तरीके से जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो जस्ट अपोजिट काम करते हैं। तो ये क्या करता है? बैड बैक्टीरिया को कम कर देता है, उन्हें पूरी तरीके से किल कर देता है, और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें इंक्रीज करता है। अगला बेनिफिट ये है डाइजेशन, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आप करेले का यूज करते हैं तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, करेले का यूज करेंगे तो आपका डाइजेशन ही अच्छा होगा, डाइजेशन इम्प्रूव होता है। लास्ट बेनिफिट ये है कि लीवर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको एक बार फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई तो ये प्रॉब्लम आप जल्द मतलब ठीक तो कर सकते हैं अगर आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया तो, लेकिन अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किया तो आप फैटी लीवर की प्रॉब्लम ठीक ही नहीं कर सकते, वो बढ़ता जाएगा और आपके लीवर के आसपास फैट स्टोर होता जाएगा, उसी को तो हम कहते हैं फैटी लीवर। लीवर है सपोज ये हमारा, इसके आसपास फैट स्टोर होगा, उसी को हम कहते हैं फैटी लीवर। तो इसका यूज करके भी आप फैटी लीवर या फिर लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज से हर किसी को करेले का यूज करना, जैसे भी यूज करना वैसे यूज करिए, जैसे आपको अच्छा लगता हो, लेकिन करेला जाना चाहिए हमारे मतलब बॉडी के अंदर, चाहे जूस का बना के पीजिए, चाहे आप इसकी सब्जी बनाकर, आपके लिए करेला बहुत अच्छा होगा। विश्वास मानिए करेला बहुत ही अच्छा भी होता है खाने में, नहीं आप करेले की सब्जी खा सकते, आप इसका भरवा बनाकर खा लीजिए, तब भी ये आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा मसाला और तेल कम डालिए बस, मतलब किसी भी तरीके से आप करेले का यूज करिए, लेकिन यूज करिए, क्योंकि जितने भी बेनिफिट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे।
कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करके पूछिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे सर के सौ अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।